तो इट्स एन इंस्पायरिंग पॉजिटिव फिल्म मेरे सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है होनी को अनहोनी कर अनहोनी को होनी भाई इन्होंने बाकी मुझे एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर करवाया इसमें विजय सिक्सटी नाइन की कहानी की डिमांड थी कि आप अपना खून पसीना आंसू सब दे दो इस फिल्म में ये ऑन द फेस ऑफ इट तो एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सिक्सटी नाइन की एज में ट्रायथलन कर रहे हैं तो इट्स एन इंस्पायरिंग पॉजिटिव फिल्म हमारे ट्रेलर में एक लाइन है सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती तो उसके ऊपर है लेकिन अगर आप गहराई में और जाएंगे गहराई में तो ये सेकंड चांसेस के बारे में है ये हम अपने आप को कैसे देखते हैं हम अपनी लाइफ की रिपोर्ट कार्ड में अपने आप को कितने नंबर देते हैं तो मैं इन चीज़ों से जूझ रहा था और ऊपर दूसरी तरफ मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है तो जब दोनों चीज़ें कंबाइन हुई मेरे दिमाग में तो मुझे लगा कि मुझे ये लिखनी चाहिए तो so एक्चुअली so uh, मैं और मेरे प्रोड्यूसर मनीष शर्मा ये फिल्म यशराज फिल्म ने प्रोड्यूस की है मनीष शर्मा मेरे पहले फिल्म में भी प्रोड्यूसर थे uh, मेरी प्यारी बिंदु में तो so, दोस्त भी है मेरे क्रिएटिव कोलेबोरेटर भी है uh, बहुत क्रिएटिवली इन्वॉल्व भी है मेरे फिल्म में तो so, हम डिस्कस कर रहे थे नामों को तो उस समय ऊँचाई रिलीज हुई थी तो जब मैं ऊंचाई देखने गया था तो मैंने कहा वो गॉड हाउ डिड आई नॉट थिंक ऑफ अनुपम सर तो मैं वेस्ट में आई थिंक मैं, मैं हॉल से निकला मैं यशराज गया मैंने मनीष से बात की एंड आई थिंक अगले दिन अनुपम सर ने दो मिनट हमारे साथ स्पेंड किया और फिल्म को हाँ कर दिया एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल दैट दैट और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ जब आप फिल्म देखेंगे आप समझ जाएंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ नहीं जब अक्षय ने मुझे इसका स्क्रिप्ट दिया पढ़ने के लिए और मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे लगा ये मेरे लाइफ के पैरल चल रही है उस मेरे को उम्र को लेकर लोग बहुत कोशिश करते हैं कि अब ये काफ़ी काम कर चुके हैं अब इनको वेटरन बुलाओ थेस्पियन बुलाओ कमाल का बनाओ फिर इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दो लेजेंड बुलाओ लिविंग लेजेंड बुलाओ और फिर इनको लाइफ टाइम मचॉर्ड लाइट अचीवमेंट अवार्ड देकर निप्ता। इनको निपटा दो <laughs> मेरे को निपटाने बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मेरे सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है अ और विजय 69 की कहानी जब मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे लगा ये तो फिल्म 100% करनी चाहिए और इसमें तो मुझे तैरना भी सीखना चाहिए मुझे तैराकी नहीं आती है स्विमिंग नहीं आती है तो फिर मैंने स्विमिंग सीखी और सिक्सटी के बाद मैंने वर्कआउट करना इसलिए शुरू किया शरीर की तरफ इसलिए तवज्जो दिया कि अब मैं अलग किस्म की तस्वीरें बनाना चाहता हूँ फिल्में बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या मेरी बॉडी लोगों को प्रेरित करती है कि हाँ अगर मैं नहीं वैसा दिखता तो शायद इनके जहन में वो बात नहीं आती तो इसका फ़ायदा हुआ और ये वन ऑफ माय बेस्ट फाइव फिल्म्स को मैं आज ऐलान कर रहा हूँ आपके शो पर कि ये अगर मेरे पाँच सौ बयालीस फिल्मों में से मुझे कहा जाए कि आप पांच टॉप की फिल्में चुने और मैंने बहुत अच्छी फिल्में की हैं तो ये उनमें से एक फिल्म होगी ब्रदर हो अंगर फादर हूँ यंगर, 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 यंगर फादर हूँ सोतेले तो फादर सोतेले फादर होनी को अनहोनी कर दे अनहोनी को होनी भाई इन्होंने बाकी मुझे एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर करवाया इसमें जो मेरा कैरेक्टर है इज अ पारसी कैरेक्टर और ऑफ कोर्स मैं 62 का हूं, लेकिन मुझे मुझे करना पड़ा 69 की एक्टिंग जो मुझे तो की बहुत डिफरेंस <laughs> <laughs> नहीं, नहीं, मुश्किल नहीं। नहीं। होता है। हर साल दस साल की तरह होता है हाँ, हाँ। तो इसकी ट्रेनिंग मुझे खेर साहब ने दी इनफैक्ट जब भी मुझे कोई कैरेक्टर मिला है मैंने हमेशा उसको बहुत लाउड किया या कैरिकेचर किया लेकिन खेर साहब और हमारे डायरेक्टर अक्षय जी ने मेरा हैंड होल्ड करके मुझे समझाया कि भाई इसमें वो ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है आप बस चंकी पांडे ही करो आराम से करो इसको एंड आई थिंक उसका रिजल्ट नज़र आ रहा है हाँ बिल्कुल आई I मीन mean, uh, मैं अनुपम सर की भी बात करना चाहूँगा बट चंकी सर ने एक पारसी डायलैक्ट कोच भी लिया बहुत जेनरस बहुत गिविंग एक्टर है वो दस टेक के बाद मैं खुश हो जाता था वो चंकी सर खुश नहीं होते थे कि मैं एक और करूंगा मैं एक और करूँगा सो दैट काइंड ऑफ और जो इनकी बॉन्डिंग दिखी है फिल्म में वो इनके रिलेशनशिप के ऊपर है उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन uh, नहीं है एंड अनुपम सर की बात की जाए तो वी नो कितने कमाल के एक्टर हम सब जानते हैं लेकिन जो कमिटमेंट उसने इस फिल्म पे दिखाई है ना सर ने उन्होंने अनबिलीवेबल सर ने कमिटमेंट तो दिखाई दिखा है स्पोर्ट्समैन की कमिटमेंट होती है ना कि वो कैसे वो कि बारह अंडे खाता है फिर ट्रेनिंग करता है तो ये सब किया है इन्होंने आई मीन इट वाज लाइक एथलीट अंडे भी मैं एक बात बताऊंगा आपको बेटर बोलेंगे मतलब <laughs> <हैं> <laughs> हम एक शॉट कर रहे थे गेटवे पे तो पूरी रात शूट करने के बाद सर आए सर ने शूट किया उन्होंने ब्रेक लिया वापस आए एक साइकिलिंग का शॉट था तो मैं मॉनिटर पे देख रहा था वो साइकिल करते करते फिर वो दिखे ही नहीं मॉनिटर पे तो उन्होंने ब्रेक लगाया था बिकॉज वो बहुत उबड़ खाबड़ था तो वो गिर गए थे सर के बल गिरने वाले थे लेकिन उन्होंने अपना हाथ आगे कर लिया उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया तो पूरा डिसलोकेट हो गया तो मैं उनके वैन में गया कि सर अभी हॉस्पिटल ये वो तो नॉर्मली आदमी क्या पूछेगा बट सर ने क्या पूछा इस लोकेशन में और कितने सीन है आपके मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो आपका शोल्डर निकला हुआ है एक्सपेंसिव लोकेशन है शेड्यूल बना हुआ है सर ने कहा पहले हम वो सीन करेंगे उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊँगा वो सीन के शॉर्ट्स अभी भी ट्रेलर में हैं उन्होंने वो सीन किया डिसलोकेटेड शोल्डर के साथ आई कांट इमेजन कितने पेन में होंगे उसके बाद वो उसके बाद सर हॉस्पिटल गए तो मैं जो कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ ना सर वो अनबिलीवेबल है तो मैं ये भी बोलता हूँ कि विजय सिक्स नाइन भले ही मैंने लिखी है प्री प्रोडक्शन में हूँ शूट पोस्ट प्रोडक्शन लेकिन ये एज मच मेरी फिल्म है एज अनुभव सर की फिल्म है Thank you, that's very you kind trained, of. you. Actually, actor तो आप हैं, but you trained like an athlete for this, because कानी एक athlete की है। हाँ, because I think the जो discipline lead का होता है, sometimes actors may not have that discipline. तो hmm. I I treated this film as an as an athletic uh, challenge. Challenge, uh, thanks. Uh, so uh, I felt कि इसको उस तरीके से, but देखिए हर्ष हर मैं as a committed actor हूँ मैं बहुत, but हर प्रोजेक्ट डिमांड नहीं करता हंड्रेड परसेंट कमिटमेंट वो मेकर पे भी डिपेंड करता है और कहानी पे डिपेंड करता है मेकर से ज़्यादा कहानी पे डिपेंड करता है विजय सिक्सटी नाइन की कहानी की डिमांड थी कि आप अपना खून पसीना आंसू सब दे दो इस फिल्म में जो हमने दिए हैं बिल्कुल हमने बहुत सारे वक्त ऐसा गुजारा है मैंने और अक्षय ने जब हम गाड़ी में बैठते थे और एक दूसरे को देखते थे अच्छा पूरा दिन करने के बाद और हम खुद अपने आप ही आंसू बहते थे दूसरी फीचर फिल्म है सर ने फाइव हंड्रेड के ऊपर फिल्में करी है तो ऑब्वियसली पहले दिन आप नर्वस रहते हैं सेट पे की पहला तो क्या, यूनिट क्या सोच रहा आपके बारे में <laughs> कि इसको आता है भी है नहीं आता है दूसरा कि आपका जो लीड एक्टर है वो क्या सोच रहा है आपके बारे में इनफैक्ट मुझे एक स्टोरी याद आई रॉबर्ट रौ, डिनीरो ने शायद कहीं कहा था कि मैं पहले दिन ना दो टेक देता हूँ एक ऑनेस्ट वाला और एक डिसऑनेस्ट वाला और डायरेक्टर अगर dishonest वाला पकड़ लेता है ओके okay कर देता है तो फिर ऐसी निकाल देता हूं। तो तो मैं को लगा कि पहले दिन की मैंने ठीक किया नहीं फर्स्ट डेट को मेरे फोन पे एक मैसेज आया उस दिन की फोटो थी सर के परफॉर्मेंस की गुड जॉब यू आर डूइंग अमेजिंग गो फॉर इट आई एम विथ यू तो जो कॉन्फिडेंस सर ने मुझे उस दिन दिया 34 डेज ऑफ शूट में हर रोज मुझे दिवाद. एक मैसेज आता था एक फोटो आता था एक इनक्रेजमेंट आता था चौंतीस फोटोग्राफ भेजी है hmm. मैंने हाँ yeah, uh, नहीं बिकॉज वो ज़रूरी है मैं आ, अपने आप को मैं उसी मैं मैं एक स्कूल चला एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ मैं न्यू को देखता हूँ मैं मैं खुद भी न्यू था or uh, i see i see the, the f fear i see the insecurity i see the, uh, the uh, anxiousness of, of a person and i think मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन रोल और फिल्म इज मेकिंग रिलेशनशिप्स आज मेरा और चंकी का जो रिलेसनशिप है वो कोई हमने कुछ ऐसा तो नहीं बेकेट फिल्म तो कभी नहीं की नमक हराम नमक लाल वगैरह नहीं की है हमने एक फिल्म में मैं बुरा बाप बना हुआ यह बुरा कोई अच्छा हीरो टाइप बना हुआ है मगर हमने जो वक्त गुजारा है वो, वो वक्त हमारे काम आता है तो आई थिंक अक्षय को उसके मेन एक्टर की ना केवल एक्टिंग की जरूरत जरूर थी अच्छी एक्टिंग की जरूरत थी बगैर उसके साथ की ज़रूरत थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नज़र आती है आपको फिल्म में नहीं मैं तो ये मैसेज सिर्फ सिक्सटी फाइव के ऊपर के लोगों को नहीं देना मैं ट्वेंटी फाइव के लो, लोगों को देना चाहता हूँ मेक ए रिपोर्ट कार्ड एज ई सेट वेरी करेक्टली कि क्या आ, ये विश लिस्ट जो है ने विश लिस्ट बकेट लिस्ट ये इसका कोई मतलब नहीं है आपको हर दूसरे साल कुछ नया करने की सोच सकते हैं आप कितने सारे लोग आज डॉक्टरी करते हैं इंजीनियरिंग करते हैं और किसी नए स्टार्टअप में चले जाते हैं ये फिल्म आपको वो उकसाएगी और हम प्रॉब्लम क्या है कि हम जब मिडिल क्लास का इंसान रिटायर होता है नौकरी से तो सबसे पहले उसको ऑफिस नहीं रिटायर करता घर वाले रिटायर करते हैं माँ बेटा बेटी वाइफ यार ये घर पे बैठा रहेगा सब ऐसे लेकर रात तक बहुत तो कैसे मुश्किल है और 55 और 58 की उम्र में तो आपको एहसास होता है कि आप किस किस्म के इंसान हो आप तो जिंदगी की शुरुआत करनी है और शुरुआत करते वक्त आप रिटायर आपको कर देते हैं वो मेरा एक बड़ा अच्छा डायलॉग था किसी फिल्म में वो अपना कौन सी फिल्म थी शिव शिव शास्त्री बैलबुआ में कि नौकरी से रिटायर हुआ हूँ जिंदगी से रिटायर नहीं हुआ हूँ और जैसा कि इसकी कैच लाइन है सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है तो आपको जो जो भी हम आपके दर्शक हैं ये फिल्म देखेंगे और जब जल्दी ट्रेलर रिलीज होगा आपको मजबूर करेंगे देखने के लिए बिकॉज़ इसमें कन्विक्शन के अलावा जो भी बात कही गई है बहुत एंटरटेनिंग तरीके से कही गई है इसका जो मेन कैरेक्टर है वो बूढ़ा लाचार इंसान नहीं है

तो आई एम होपिंग दैट दैट आल्सो कम्स अक्रॉस इट्स नॉट अ लेसन हम देयर इज नो मैसेज फिल्म के मुझे सेट पे जो खाना मिलता था बहुत <laughs> कमाल का खाना मिलता था लेकिन हां जब ये बताता हूं कि जब अक्षय आया था मुझे मिलने के लिए कहानी उन्होंने पूरी कहानी भी नहीं सुनाई खाली मेरा कैरेक्टर मुझे सुनाया और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक डायरेक्टर जब फिल्म बनाता है ना उसके कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं फिल्म में ये एक वो कैरेक्टर था जो अक्षय के लिए बहुत प्यारा था ये है आधा पारसी मुझे बनाया पूरा पारसी फिल्म में तो मैं मुझे समझ में आया मुझे ये करना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे डायरेक्टर का थोड़ा फेवरेटिज्म मिलेगा और इनका बहुत कंट्रीब्यूशन भी था और जहाँ इनको मौका मिलता था मेरा एक दो कुछ बड़ा ही देते थे और मैं भी कोशिश करता था वन मोर वन मोर करके और फिर अफकोर्स खेर साहब तो आई I मीन mean, पूरे पूरे सेट को अगर किसी ने जगा के रखा था इट वॉज खेर साहब एंड हिज एनर्जी तो आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस और हाँ इनके बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ ये वर्ल्ड के यूनिवर्स के uh, सबसे कामेस्ट डायरेक्टर है बहुत ही शांतिपूर्वक आराम uh, से करते सब कुछ कभी उन्होंने किसी पर चिलाया नहीं कभी उन्होंने अपना टेम्पर नहीं लूज किया ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई फिल्म में। लेकिन हाँ सबसे काम निकाल के रहते थे बिकॉज इनका नाम हमने रखा था बट इटिफुलस अजय करूँगा हमारी ये फिल्म विजयी 69 प्रोड्यूस बाय मनीष शर्मा एंड वाई की फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पे आठ नवंबर को आ रही है uh, स्ट्रीम करेगी नेटफ्लिक्स पे जरूर देखिएगा और ये फिल्म है आप परिवार के साथ देख सकते हैं सब लोगों के साथ देख सकते हैं ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर बीच में जितने भी लोग हैं सब के साथ देख सकते हैं आपको अच्छी लगेगी